पिछले वीडियो में हमने कास पठार देखा, इस वीडियो में कास पठार से महाबलेश्वर तक का सफर होने वाला है। आपको आपका एटीजी व्लॉग्स आपके घर बैठे बैठे वीडियो दिखा रहा है। इन 3, 2 and 1 सी दिस राइड का मजा इसी में है। थैंक यू। सो ही इज़ द ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। अभी हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर, सो ये वीडियो स्किप मत करो, आगे और भी सीनिक रूट से हम लोग जाने वाले। अभी महाबलेश्वर अगर आपको यहाँ से जाना है तो 2-3 रास्ते हैं, जिसमें से एक आता है टपोला से। टपोला से आपको पूरा घूम के जाना पड़ेगा। एक है एकीव गाँव से, एकीव गाँव अभी बीच में ही हमको लगने वाला है। एक राइट टर्न आएगा, वहाँ से आप जा सकते हो, वहाँ से आपको किलोमीटर बचाएगा। और महाबलेश्वर इतना भी दूर नहीं है, ओनली 30-35 किलोमीटर से है, तो फिर जल्दी जाके भी क्या ही करेंगे। इसके लिए हम लोग अभी 4:45 निकल रहे हैं। अगर आज हम टपोला से नहीं गए तो कल टपोला एक्सप्लोर करेंगे महाबलेश्वर के साथ साथ, एंड उसके बाद फिर रिटर्न निकलेंगे। अभी रिटर्न निकलने का जो प्लान है, मैंने जैसे कल के वीडियो में बोला था कि पुणे से हम लोग रिटर्न जाने वाले, सो वो भी अभी डाइसी प्लान है थोड़ा, क्योंकि गोवा हाईवे अच्छा हो गया है, सो मानगांव के आगे जो है वो ज़्यादा तकलीफदायक नहीं है। इसके लिए फिर हम लोग सोच रहे हैं कि जाते वक्त उधर से ही चले जा सकते हैं। लेट्स सी, वो कल के वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा। ओवरऑल अगर आपको आज का वीडियो, कल का वीडियो, इनफैक्ट ये सीरीज़ अगर पसंद आ रही है, सो लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। आपको आपका एटीजी व्लॉग्स आपके घर बैठे बैठे वीडियो दिखा रहा है। एंजॉय इट एंड कीप सपोर्टिंग। ये व्यू तो बहुत ही खास है भाई, मतलब आपने वीडियो में भी देखा, मैंने होटल से भी दिखाया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जैसे ही आप सातारा के आसपास पहुँच जाओगे ना हाईवे से, सो पेट्रोल भर लेना। ऊपर पेट्रोल पंप बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग अभी यहाँ से आए हैं और आपको यहाँ पे बोर्ड दिख जाएगा, एकीव धबधबा, सह्याद्री नगर, महाबलेश्वर और मेढ़ा। और अगर लेफ्ट रोड जो ये है, वहाँ पे कास पठार, कास तलाव, घाटाई देवी मंदिर है। सो दिस इज़ मोर नैरो रोड बट इंटरेस्टिंग रोड। ये जो तालाब है, इसका ड्रोन शॉट है इनके चैनल पर, जाके चेक करो, बहुत ही मस्त आया है। मैं पिछले वीडियो में भी बोला था कि एक पॉइंट के बाद ऐसे लग ही नहीं रहा है कि भाई हम लोग इंडिया में है। अभी मराठी गाने सुन रहा हूँ और परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब विलेज लाइफ एंड उस टाइप के भी गाने लग रहे हैं ना जियो पे। आ हा हा, अई वाटरफॉल किधर है? ये है एकीव वाटरफॉल। जिधर भी जाते हम लोग फोटो निकालते हैं ताकि याद रहे, यार इधर गए थे, उधर गए थे, घूमे थे, इतना घूमे। यहाँ पे भी सेम है, कास पठार जैसे, भाकरी, पिटला एंड ऑल, इफ़ यू वांट यू कैन हैव। और यहाँ पे होटल भी है अगर इस रूट पे आप आ रहे हो तो। ये देखो यहाँ पे बंदर स्टॉल पे वो एक एक करके सब भुट्टे लेके जा रहे हो, भुट्टा पैक करके रख रहे हैं अभी वो लोग। लोग अच्छे हैं लेकिन ये साइड, मतलब ऐसा मैं कंपेरिजन में नहीं बता रहा हूँ किसी के, लेकिन जितना हमने एक्सपीरियंस किया है ना, बहुत पोलाइट, स्वीट एकदम। ये देखो यहाँ के घर, एक दो दिन के लिए यहाँ पे भी रहने में मज़ा आता है। ओह हो, व्हाट अ कॉम्बिनेशन मैन। रुको रुको रुको, इन 3, 2 and 1 सी दिस, ऊपर मूनराइज भी हो गया। इधर तो टाइम क्या हो रहा है भाई, 17:20। ओ नहीं, बोलते बोलते भी 15-20 मिनट का हॉल्ट हो गया है, लेकिन वर्थ इट है, रुकना वर्थ इट है।
ऐसे लोकेशन बार बार देखने नहीं मिलने वाले। हमें 500-600 किलोमीटर की राइड कुछ भी नहीं लगती है, मतलब ऐसे ही हम लोग चले जाते हैं ऐसे ही। बचपन में सिर्फ इसके फोटो देखे थे बुक में, टेक्स्ट बुक में, इसके पहले भी देखे ऐसा नहीं है, बट बहुत रेयर है ना ये सब चीज़ें। इसके लिए अभी वो विंड मिल के इधर देखो बादल आ रहे, सो ये देखने मिलता है क्या अपने को ना, इसके लिए एंजॉय करो राइड। अभी ठंडी बढ़ रही है क्योंकि हम लोग धीरे धीरे ऐसे लग रहा है ओ शप्पत बादल की तरफ जा रहे हैं। वाह वाह वाह, लो भाई लो, राइड का मजा इसी में है, डेस्टिनेशन में नहीं है इतना, लेकिन जो आप सफर करते हो उसमें आपको मजा आना चाहिए। इस पूरे ट्रिप में ये वाला रूट सबसे ज्यादा सीनिक है। इन पहाड़ों को क्रॉस करके हमें जाना है महाबलेश्वर। नेचुरल थंबनेल चाहिए ना बॉस, ये जगह एकदम बेस्ट है। देखो ये साइड में आपको थोड़ा लाइट भी मिल रहा है और दूसरे साइड एट द सेम टाइम आपको फॉग भी मिल रहा है, और क्या चाहिए। खतरनाक, दोनों साइड से खाइए, इधर भी पानी, इधर भी पानी, माउंटेन यहाँ से एक्चुअली जाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक आपको सजेशन देता हूँ, अगर आप कैरी कर सकते हो तो पोर्टेबल गैस आता है ना, तो वो कैरी करो और फोल्डिंग वाली कुर्सी बस यहाँ पे लेके आओ, चाय बनाओ और पियो इस ऐसे लोकेशन में। मतलब भाई जाने की इच्छा नहीं हो रही है, देखते रहो बस देखते रहो ऐसा हो रहा है, और ये ट्रिप में वही हो रहा है। अगर हमको पहले से मालूम रहता ना कि ये इतनी खूबसूरत जगह है तो फिर हम लोग भाई लिटरली घूमने के लिए अलग टाइम निकालते थे। अगर आपको फॉग देखना है तो दिसंबर में आओ, सुबह सुबह एकदम कास पठार से निकलो और ये साइड में आ जाओ, घूमो, एक्सप्लोर करो, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी धनाधन करो और उसके बाद फिर से कास पठार चले जाओ स्टे के लिए बस। और यहाँ पे अभी 21-22 डिग्री है, रात को तो क्या ही होता रहेगा। कैंपिंग के लिए वैसे जगह अच्छी है, सिर्फ आपको मालूम रहना चाहिए कहाँ पे आप प्रॉपर कैंप कर सकते हो, जैसे ये भी है। अगर कोई लोकल गाइड या लोकल पर्सन आपके साथ है सो नो वरीज। ये देखो ना कितना मस्त जगह है, हम लोग दो दिन से पहाड़ी पे ही है। ये देखो इसका पंखा टूट गया है शायद या निकल गया है, क्या है ये विषय अलग ही लग रहा है कुछ तो। ओ हो हो हो, द व्यू मैन ब्यूटीफुल। ये थोड़ा रिस्की पैच है, इसके लिए आपको बाइक या कार से आते वक्त ध्यान रखना है, दोनों तरफ खाई है और रोड भी नैरो है। हम लोग वो पॉइंट पे थे, विंड मिल जहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा रहेगा लेकिन सामने वाले पहाड़ पे थे हम लोग। चलो ऑलमोस्ट आफ्टर 20-30 किलोमीटर से भी ये थोड़ा बड़ा रास्ता है। वीजा कड़कता है समोर। हम लोग अभी ऑलमोस्ट महाबलेश्वर में एंटर करने वाले हैं। हमारा होटल जो है वो 8 किलोमीटर के आसपास है। भाई यहाँ पे टोल टैक्स है कुछ तो, क्या मालूम किसको रुका रहे। ये होटल लाइन अभी चालू हो चुकी है। कुबेर पैलेस इज आवर होटल फॉर टू नाइट। सो पहुंच चुके हैं अभी महाबलेश्वर की ये होटल में। सुबह का प्लान ऐसा ही है हमारा कि थोड़े यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं, सनराइज पॉइंट से लेके जो भी आसपास पॉइंट्स रहेंगे वो एक्सप्लोर करेंगे, एंड उसके बाद क्या मुंबई की और कहीं पे जाना है देखते हैं। अभी जाते जाते एक्सप्लोर जाते जाते अगर टाइम नहीं हुआ तो एक्सप्लोर करेंगे, अगर टाइम बहुत कम है तो फिर निकल जाएंगे, मतलब रात तक मुंबई पहुंच जाएंगे अगर लेट हुआ तो। yes. तो आराम आराम से आज जैसे आए वैसे तू तो मेरे एक घंटे पहले पहुंच जाए। हाँ वो है। जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे ख्याल से उनमें से गिने चुने व्यूअर्स ने ये जगह देखी रहेगी आज जो मैंने आपको दिखाया, बट मैं रिकमेंड करूंगा सीरियसली हम लोग जो ये पूरा रूट एक्सप्लोर कर रहे हैं आप भी एक बार करके देखो, आपको भी काफी अच्छा लगेगा एंड वर्थ इट ट्रिप है सीरियसली। चलो
एंड करता हूँ ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी अगर रूट रिगार्डिंग सवाल हो या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग सवाल हो तो कमेंट कीजिए। एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।